मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजे व्लॉग्स। सुबह के 8 बज रहे हैं। आपने जो सिनेमैटिक शॉट्स पहले देखे कैसे लगे यार, कमेंट करके बताना। एकदम पसीना पसीना हो गया वो जैकेट वैकेट पहन के। इतने सारे शॉट्स निकालने में 10 मिनट लगे सारे शॉट्स निकालने में, एंड हेलमेट एंड जैकेट पहन के निकाले यार, हालत ही ख़राब हो गई एकदम। संडे है, आज प्लान बना था पूरी जाने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लान कैंसिल हो गया। अकेले पूरी जाने में कोई फ़ायदा नहीं होता, मज़ा नहीं आता एक्चुअली, इसीलिए सोचा सुबह सुबह निकलते हैं। सुबह मतलब थोड़ा लेट कर दिया मैंने। सो गाइस, एज यू कैन सी ओडोमीटर इज 998 किलोमीटर्स, जस्ट 2 किलोमीटर्स मोर एंड 1000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, एंड फिर बाइक की सर्विसिंग करवानी है। तो अब हम लोग को थोड़ा सा राइड करना चाहिए। बहुत बातें हो गई, राइड नहीं हो पा रही है। लगता है मेरे को, अबे क्या है बे यार, जितना भी ट्रैफिक रूल स्ट्रिक्ट कर लो ये स्क्विड्स लोग नहीं मानेंगे। अभी बाइक 1000 किलोमीटर्स क्रॉस कर गई है। शायद से मैं टुमारो यानी कि मंडे को, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब मैं इसको सर्विसिंग के लिए लेके जाऊं, एंड सर्विसिंग का तो वीडियो आएगा ही आएगा, वो तो पक्का है। तो देखते हैं इसके सर्विसिंग के बाद बाइक में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जैसे मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं यार सर्विसिंग के बाद बाइक एकदम से चेंज हो जाती है। तो मेरे को Z900 की सबसे अच्छी बात क्या लगती है ना, उसकी जो साउंड है ना, साउंड एंड पावर दो चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। जब आप 3 या 4000 RPM पे रहते हो एंड आप थ्रॉटल रिलीज़ करते हो तब एक बेस आता है, बहुत अच्छी आवाज़ होती है वो। तो अभी तो स्टॉक एग्जॉस्ट है तो अभी इतना नहीं पता चलता है कैमरे के माइक में, लेकिन जब एग्जॉस्ट चेंज हो जाएगा ना तब आपको पता चलेगा। जब ऐसे थ्रॉटल छोड़ेंगे पट 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 पटाखे मारेगी। तो यार आपको एक बात बताऊं, मेरे को एक चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा डर, वो है ये बड़े बड़े हम्प्स। पता नहीं कब नीचे से पाइप्स आपकी स्क्रैच हो जाए, पता ही नहीं चलेगा। एक हम्प आएगा, आप उस पर से अगर स्लोली नहीं गए या ठीक से नहीं गए, टड़ैक आपकी पाइप नीचे से स्क्रैच हो गई। एंड ये तो स्टॉक एग्जॉस्ट है, इसमें तो वो कैट कैन वगैरह है सब, लेकिन वो जो फुल सिस्टम होता है ना, फुल सिस्टम में तो आपका कैट कैन रहेगा नहीं, कैथलिक कन्वर्टर। तो बहुत ज़्यादा दुख होगा जब अगर कभी आपकी पाइप घस जाएगी। होपफुली अभी तक इस बाइक पे मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है। क्या हालत बनाई है यार गाड़ी की, पीछे का तो ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं। सो गाइस, फाइनली एक छोटा सा स्पिन मारने के बाद राइड ख़त्म हो चुकी है। राइट नाउ आई एम इन बीजेपी नगर, तो यहाँ पे एक खाली रास्ता देखा तो सोचा यहाँ पे रुक जाते हैं, आप लोग से बात कर लेते हैं एंड देन इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। सो आप लोग को ये बताना था, मेरे को बहुत लोग ने क्वेश्चन पूछा कि यार सुपर बाइक आपने कैसे ले ली, आप तो डोमिनार ठीक ठाक चल ही रही थी तो अब सुपर बाइक पर अपग्रेड क्यों किया। तो गाइज आपको बताऊँ ये सब स्टार्ट कहाँ से हुआ। सो मई में साइक्लोन आया था, जून में OLX पर मैंने एक ऐड देखा था फॉर अ बेनली 600i। तो मैंने घर में बात बात की, तो फिर बात हुई कि चलो ठीक है बेनली 600i लेते हैं, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी वो बाइक। तो उसके बाद हुआ क्या, मैं गया बाइक वाइक देखा, बाइक बहुत अच्छी थी, अच्छी कंडीशन में थी, बाइक पसंद भी आ गई, लेकिन एंड मोमेंट पे डील नहीं हो पाया था, शायद कि वो बाइक किसी और ने ले ली थी। तो उसके बाद फिर तो मेरे सर पे यार चढ़ी गया, तो अब इनलाइन 4X आनी ही आनी है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक CBR 650F मैंने देखी थी, एंड वो भी
चलो बहुत अच्छी लगी थी, बहुत ज़्यादा लोडेड बाइक थी, बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही थी, लेकिन पता नहीं वो डील भी क्रैक नहीं हो पाई। उसके बाद बहुत सारी बाइक्स मैंने देखी, एक Z800 मैंने देखा, एक और CBR650F मैंने देखा, एंड शायद एक दो बाइक और भी देखी थी, बेनली थी शायद, बट यार कोई भी डील क्रैक नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों। लाइक शायद यही लक था कि यार Z900 ही आनी है, वो सब बाइक नहीं आने वाली है, तो एक भी बाइक है ना जो सिलेक्ट नहीं हो पाई। तो एट दी एंड मैंने सोचा कि यार अब सेकेंड हैंड बाइक छोड़ो, सेकेंड हैंड बाइक लेके कोई फ़ायदा नहीं है, नई बाइक लेते हैं। सो बहुत रिसर्च के बाद मैंने फाइनली Z900 ली। तो ये ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, लाइक शायद भगवान भी यही चाहता था कि मेरे पास Z900 ही है, नॉट द बेंटली 600i और द CBR650F। तो वही था गाइस, इसी की वजह से थोड़ा लेट हुआ, नहीं तो अगर बेंटली आने की होती तो जून में ही बेंटली आ जाती एंड जुलाई में ही CBR आ जाती, अगर CBR आना होता तो वही था, उसकी वजह से बेंटली नहीं आया, CBR नहीं आया, Z800 भी नहीं आया, Z900 ब्रांड न्यू वो आया। सो गाइस ये वाले क्वेश्चन बहुत लोग आप पूछ रहे थे, तो फाइनली मैंने आंसर कर दिया कि कैसे आई Z900 फैमिली में। गाइस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।